ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक ऐसा अनुभूत मंत्र बताने वाला हूं जो कि आपके बिगड़ैल पति पर नकेल डाल सकता है। बहुत सी क्वेरीज आती हैं, बहुत सी माताएं बहनें कहती हैं कि उनके पति जो हैं वो बहुत ही झगड़ालू किस्म के हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको कोई सहारा चाहिए होता है और आपको इस मंत्र से बेहतरीन कोई और मंत्र आपको इस तरह की सहायता नहीं कर सकता जो ये मंत्र कर सकता है। एक बार इस मंत्र को कीजिएगा तो जो आपके बिगड़ैल पति हैं वो सुधर जाएंगे। कई बार मैंने देखा है कि जल्दबाजी में जो है लड़कियों की शादी हो जाती है और उसी बीच में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता कि पति जो है वो दुराचारी है या किस तरह का उसका नेचर है। तो ऐसे में घरेलू झगड़े, डोमेस्टिक वायलेंस होना ये आम बात हो जाती है। रोज़ रोज़ अगर आपसे ही कोई दुराचार करे तो जीने की जो चाह है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे में अपने बिगड़ैल पति पर नकेल डालने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। आपको क्या करना है कि 108 की माला बनाइएगा और वो माला होगी जो मौली हम हाथ में बांधते हैं, उसमें 108 गांठ लगाइए। इससे क्या होगा कि 108 की माला बनकर तैयार हो जाएगी। इस माला को 11 दिन तक, शुक्रवार के दिन आपको ये शुरू करना है, 11 दिन तक माँ संतोषी के आगे रखिए और इसे धूप दीपक दिखाइए और फूल चढ़ाइए और माता से कहिए कि माता मैं ये प्रयोग करने जा रही हूँ, इसमें मुझे सिद्धि प्रदान करें। उसके बाद क्या है कि आपको जब 11 दिन हो जाए इस माला को बने हुए, इसके बाद आपको रात का कोई भी समय ले लेना है। एक सफ़ेद सूती आसन आपको बिछाना है, कोई भी सफ़ेद कपड़ा बिछाइए, सूती का हो, उसके ऊपर बैठ जाइए और 10 दिन 11 दिन इस प्रयोग को कीजिएगा। इस प्रयोग को करने से चाहे कितना ही बिगड़ायल पति क्यों ना हो, चाहे कितने ही साल से दुराचार करता आ रहा हो, आप पर अत्याचार कर रहा हो, वो भी आपके वश में हो जाएगा। बहुत ही प्रभावी, बहुत ही मैं कहूँगा ऐसा मंत्र जो है विरले ही कहीं मिलता होगा। लाखों रुपए खर्च करने पर भी ऐसा मंत्र नहीं मिलता, लेकिन हज़ारों बार ऐसी क्वेरीज आती हैं जिनमें कि ये सब बहुत आम हो गया है, तो उसमें इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। मंत्र बड़ा ही सरल है, इसको आप कभी भी अपने घर पे कर सकते हैं, क्योंकि जो मोस्टली क्वेरीज आती हैं उनमें वो कहते हैं कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते, कोई जंगल, कोई वीराना, ऐसी जगह पर जो है ये शक्तियाँ बहुत जल्दी काम करती हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं होता गृहस्थी में जो रहते हैं उनके लिए। जैसे अगर हम हैं, कोई तांत्रिक है, कोई साधक है, वो तो जा सकता है, लेकिन जब एक बार गृहस्थ में आ जाते हैं तो उसके बाद ये सब करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं ये मंत्र लेकर आया हूँ ताकि हर कोई जो है इसका लाभ उठा सके और अपने जीवन में एक सुख संपत्ति भरा जीवन आराम से जी सके, उसमें कोई कलह कलेश ना हो, क्योंकि कलह कलेश से जो है लक्ष्मी कुपित हो जाती है और लक्ष्मी जो है वो अपना स्थान बदल लेती हैं। तो जहाँ पर स्त्री का आदर नहीं होगा, जहाँ पर ये झगड़े चलते रहेंगे, जहाँ पर कि गाली गलौच होगा, वहाँ पर लक्ष्मी ठहरती नहीं है। तो ये जो मंत्र है ये बहुमुखी प्रतिभाओं का धनी है, ये ना जाने किस किस प्रकार से आपकी सहायता करेगा। तो जब कभी आप लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहें तो आपको घर में साफ़ सफाई रखनी है सबसे पहली बात। दूसरी जो है, कभी भी रात को जो बर्तन है वो झूठे ना छोड़ें, आपका जो सिंक है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए ताकि जब सुबह आप उठें तो आपको बिल्कुल साफ़ सिंक मिले, इससे भी लक्ष्मी में बरकत होती है। और जो घरेलू झगड़े हैं, कई बार उसकी जो मेन वजह होती है वो होती है आपकी रसोई। रसोई में अगर आपने नमक जो है, नमक किसी मेटल के कंटेनर में डाल रखा हो तो भी ये कलह कलेश बहुत बढ़ जाते हैं। आज ही आप जाइए अपनी रसोई में और जो नमक है उसको कांच के बर्तन में रखिए,
इससे ये होगा कि जो भी आप पर ग्रह दोष लग जाते हैं ऐसा करने से, वो सब समाप्त हो जाएंगे। और इसके बाद इस मंत्र का प्रयोग कीजिएगा। मंत्र सुन लीजिए। ओम ह्रीं भोग प्रदा भैरवी मतांगी अमुक वशमनाय स्वाहा। अमुक की जगह पर अपने बिगड़ैल पति का नाम लेना है, या फिर कोई आपको छोड़कर चला गया हो, किसी को आकर्षित करना हो, तो इसमें जो है तीन प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। और ये जो है, ये आदमी जो है गोली से बच सकता है, लेकिन इन शक्तियों से बच पाना नामुमकिन है। चाहे कितनी ही दूर छुप ले, चाहे सात तालों में वो छुप ले, सात दरवाजे बंद कर ले, हज़ारों अपने आगे शील्ड लगा ले, लेकिन इस तंत्र से बचना नामुमकिन है। ये शक्तियाँ 24 घंटे 365 डेज पीछा करती रहती हैं। अगर हमने ये एक स्थान पे छोड़ दी है और जो साध्य है वो वहाँ से कहीं दूर चला गया हो, तो ये उसके साथ ही अपना निश्चित स्थान बदल लेती हैं, और साधक जो है अपनी जो मनोकामना होता है उसकी पूर्ति होते हुए देखता है। ये कभी भी खाली नहीं जाती। एक बार आपने ये मंत्र कर दिया तो समझिए ये अपना फल लेकर ही आएगा, कभी खाली नहीं जाएगा। बस ये हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा समय लग जाए। कभी भी हताश ना होइए, बस 11 दिन इसको कर दीजिए और फिर आपका काम ख़त्म। इसके बाद बस आपको इंतज़ार करना है कि कब आपको इसका असर दिखेगा। आपको जो है पहले ही दिन से इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर 11 दिन के भीतर असर ना दिखे तो भी आपको शांत रहना है और मंत्र की शक्ति पर विश्वास करना है, और फिर देखिएगा किस तरह से ये जो प्रकृति है ये चमत्कार करती है, आपके सुर से सुर मिलाती है। जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही घटित होना शुरू हो जाता है। आपके पति जो हैं वो ऐसे बन जाएंगे जैसे कोई भीगी बिल्ली हो, वो आपसे डर डर कर बात करेंगे, आपसे दबेंगे। तो ऐसे में जो है बहुत ही कारगर है ये मंत्र, क्योंकि मैंने देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिनमें कि औरतें शिकायत करने से डरती हैं, और शिकायत करने से वैसे इसका हल नहीं होता। तो मंत्र से जब ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो शिकायत क्यों करने। आप इस मंत्र को प्रयोग में लाइएगा और मुझे बताइएगा कि कितनी जल्दी इसने आपके लिए काम किया। कई बार ऐसे भी कहते हैं कि गुरुजी मंत्र को ना लिखकर भेजा कीजिए, तो लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। आप व्हाट्सएप में अगर मुझे मैसेज कर दें तो मैं आपको वहाँ पर ये जितने भी मंत्र हैं इनकी लिखी हुई आपको भेज दूँ, लिखकर भेज दूँगा। एक बार फिर से मंत्र बता देता हूँ। ओम ह्रीं भोग प्रदा भैरवी मतांगी अमुक वशमनाय स्वाहा। इस मंत्र का आपको 11 दिन तक जाप करना है। जो माला मैंने आपको बताई थी उस माला पर इसको जाप कीजिएगा। सफ़ेद रंग का आसन होना चाहिए सूती का, उस पर बैठकर आपकी जो दिशा होगी वो होगी पूर्व की दिशा। पूर्व की तरफ आपका मुख होना चाहिए, और जब इसे करें तो बिल्कुल सात्विक रहें, क्योंकि ये जो शक्तियाँ हैं इनको किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ यदि आप सेवन करते हैं तो भूल कर भी इस मंत्र को मत कीजिएगा, क्योंकि ये लाभ की जगह हानि का भी स्रोत बन सकती हैं। तो सबसे पहले अपने आप को सात्विक कीजिएगा, एक आहार जो है आपका उस पर ध्यान दीजिएगा कि आप हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, फल फूल यही खा रहे हैं, और किसी भी तरह का मादक पदार्थ जैसे बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, इन सब से दूर रहें। तो ये जो मंत्र है ये इतना सटीक लगता है कि आदमी जो है देखते ही देखते इतना बदल जाता है कि साधक के कदमों में आ जाता है। मैंने ये चमत्कार होते हुए अपनी आँखों से देखे हैं। मैंने जिस जिस को ये मंत्र दिया है इसने अपना काम सटीक किया है, और जो इसके पीछे शक्तियाँ लगी हुई हैं वो तो कमाल की हैं। जिस साधक ने इनको साध लिया समझिए उसकी नैया पार हो गई, कोई उसे हरा नहीं सकता। सिर्फ इसी में नहीं, ये शक्तियाँ जो हैं ये सुप्त अवस्था में आपके साथ बैठी रहती हैं। जैसे ही आप पर कोई हानि पहुँचाने की कोशिश करता है तो ये जागृत हो जाती हैं, और फिर इनका जो खेल है वो शुरू हो जाता है, और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये हो कैसे रहा है, लेकिन सब कुछ आपके हित में होता चला जाएगा। चाहे कितना ही बड़ा कोई आदमी हो, चाहे कितने ही बड़े पद पर हो, यदि ये शक्तियाँ छिड़ गई तो
जो राजा होता है उसको भी रंक बनाकर छोड़ देती हैं और आपकी जय जयकार करा देती हैं चारों तरफ। एक बार आजमाइएगा, सिर्फ प्यार के लिए नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अगर किसी ने काला जादू कर रखा हो आपके ऊपर, आपकी दुकानें बंद हो गई हो, पैसा ना आ रहा हो और दारिद्रता ने जो है आपको घेर लिया हो, तो भी ये शक्तियाँ काम करती हैं। बस आपको जो है अमुक की जगह उस देव का नाम लेना है जिसको आप आकर्षित करना चाहते हैं। जिस तरह से यदि आप लक्ष्मी को आकर्षित करना चाहें तो इससे कर सकते हैं, कुबेर को आकर्षित करना चाहें तो इससे कर सकते हैं, देवताओं को वश में करने की भी पावर ये क्षमता रखता है, तो आप इस मंत्र का प्रयोग इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जो भी देवता आपको चाहिए कि उनको आप वशीभूत करना चाहते हैं, अपने अनुकूल करना चाहते हैं, तो इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 और मेरी वेबसाइट kaliavidya.com पर आपको सारी तरह के यंत्र मंत्र तंत्र मिल जाएंगे। धन्यवाद।